रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 4D प्रिपरेशन एंड टेस्ट सेशन। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का मैथ का टेस्ट नंबर 2, उसका पेपर ए। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पहला एमसीक्यू मिला कि नोटेशन फॉर द डेरिवेटिव वाज यूज्ड बाय न्यूटन। तो ये क्लियरली लिखा हुआ है बुक पे कि न्यूटन ने जो डेरिवेटिव की नोटेशन दी थी वो है f dot of x। next derivative of a over x where a is constant, तो यहीं पे मैं इसको solve करवा देता हूँ। आप इसको लिख सकते हैं a x की power minus 1 और फिर उस पर आप use करेंगे power rule, तो ये answer आएगा। यानी power rule, power शुरू में power में एक minus करके solve करेंगे तो answer delta option। next dy dx of x cube plus 1 whole power 9, तो फिर power rule ही लगेगा के पावर को स्टार्ट में होल की पावर को और पावर में एक माइनस, यानी एक्स क्यूब प्लस वन की पावर बनेगी 8 और फिर दोबारा से बेस का डेरिवेटिव यानी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्केयर, तो ये बने जाएगी 27x स्केयर इनटू एक्स क्यूब प्लस वन होल पावर 8। डिफरेंशिएट एक्स पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 3। तो एक आसान सा मेथड आपको बताता हूँ, आपने करना क्या है कि जिसको डिफरेंशिएट करना है उसका डेरिवेटिव लिखें, तो ये बनेगा 6x की पावर 5 और जिसके रिस्पेक्ट करना है डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव से डिवाइड कर दें, तो ये बनेगा 3x स्केयर। यानी 6x 5 को 3x स्केयर से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2x की पावर 3, तो डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी इसका एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में आपको नजर आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ 10x। तो जब भी अंडर रूट वाला फंक्शन आ जाए आपने क्या करना है, 1/2 लिखकर साथ वो अंडर रूट वाला फंक्शन ऐसे लिख देना है, यानी 10x आ गया और फिर 10x का दोबारा से डेरिवेटिव आएगा सीकेंट स्केयर ऑफ एक्स। दूसरे लफ्जों में ये वही है, आप इस पर पावर रूल लगा लें, पावर 1/2 करें, 1/2 शुरू में, पावर में एक माइनस और फिर दोबारा से पावर के नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये ऑप्शन सी बनेगा, यानी सीकेंट स्केयर एक्स ओवर 2 10x अंडर रूट। इफ x इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ x, देन f डेरिवेटिव ऑफ x एट cot ऑफ x, यानी फंक्शन का हमने पहले डेरिवेटिव लेना है और फिर उसमें cot ऑफ x पुट कर देना है। तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्केयर, अगर विद रिस्पेक्ट टू x करें, अब x की जगह क्या रिप्लेस कर दें, cot x, तो 1/1 प्लस cot स्केयर x, ये क्या होता है cosecant स्केयर x, और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल लेंगे, यानी ये बनेगा 1/1 प्लस कॉट स्केयर एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये साइन स्केयर एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव चाहिए ई पावर माइनस है, तो इसका भी एक आसान तरीका बता रहा हूँ, आपने अगर जो भी एक्स के साथ कोफिशियंट यहाँ पे माइनस ए है तो जो भी डेरिवेटिव हो वो उसकी पावर लिख दें, सेकेंड डेरिवेटिव तो पावर माइनस 2 और फिर e की पावर माइनस ए एक्स वैसे का वैसे, तो ये बनेगा जी ए स्केयर ई पावर माइनस ए एक्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट जी ये असल में 1 प्लस एक्स एक्स स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय, ये मैक्लैरन सीरीज होती है ई पावर एक्स की, ठीक है जी। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन था फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपने क्या करना है, वही फोर स्टेप मेथड जो था, आपने एफ ऑफ एक्स या वाई के इक्वल रखना है इसको अंडर रूट ऑफ एक्स को, ठीक है, फिर वो फोर स्टेप लगाने हैं, यानी पहले आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वाई प्लस डेल्टा वाई फाइंड करना है या एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर सेकेंड स्टेप में आपने डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, डेल्टा एक्स से अगर डिवाइड करेंगे तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बनेगा, दूसरी साइड पे भी डिवाइड हो जाएगा, ये फोर स्टेप में लिख रहा हूँ, और लास्ट पे आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो आपको इसका आंसर मिलेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। अब एट एक्स इज इक्वल टू ए पे था तो आपने जहां x है वहां पे a रिप्लेस करना है, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ a इसका आंसर है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy बाय dx इज y इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल लगेगा,
आप क्वेश्चन रूल कहेंगे, क्वेश्चन रूल क्या होता है यहाँ पे मैं एक रफ सा आइडिया दे देता हूँ। नीचे वाली वैल्यू का स्केयर लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस थ्री होल स्केयर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज एक्स स्केयर माइनस थ्री एज इट इज, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव यानी 2x बन जाएगा, आपने प्रॉपरली इसको सॉल्व करना है, माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज एक्स स्केयर प्लस वन और नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी 2x बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा डिफरेंशिएट एक्स स्केयर माइनस वन बाय एक्स स्केयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स फोर। तो इसको भी आपने जिसको डिफरेंशिएट करना है आपने उसको नाम दे दिया वाई का, वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वन बाय एक्स स्केयर, और जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है उसको टी का नाम दे दें या यू का नाम दे दें या जो आपको बेहतर लगे। अब आपने क्या करना है, चेन रूल अप्लाई कर देना है इस पे, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने के बाद इस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे तो असल में आपके पास वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने डी वाई बाई डी टी की। तो वो किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। जी नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं जी हम क्वेश्चन नंबर फोर, शॉर्ट क्वेश्चन ये है जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू टू डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो आपको पता है एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स बन गया, प्लस वाई स्केयर का डेरिवेटिव टू वाई और बेस का दोबारा से डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स बन गया, और टू का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लें, बाकी दूसरी वैल्यूज को उधर ले जाएं, तो ये आपको आंसर दे देगा। सॉरी इस पे प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव वन भी होगा, इसको भी साथ शामिल करें तो ये इसका आंसर दे देगा आपको, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर फाइव, कैलकुलेट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, पार्ट नंबर फाइव। तो आपने सिंपल डेरिवेटिव लेना है कॉज, कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स, और फिर दोबारा से अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, फिर प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, तो वन ओवर टू लिख के अंडर रूट ऑफ साइन एक्स ऐसे ही, एंड अगेन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉज एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको आंसर दे देगा। पार्ट नंबर सिक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। e पावर x का सिंपल सा हाल ये है कि e पावर x में जो मर्जी पावर में वो आंसर वही होता है, यानी e पावर अंडर रूट ऑफ x माइनस वन इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, लेकिन दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको अंडर रूट ऑफ x माइनस वन। अब डिस्कस करते हैं जी पार्ट नंबर सेवन, पार्ट नंबर सेवन में है जी के फाइंड dy बाई डी एक्स इज y इज इक्वल टू x ओवर log ऑफ x। तो क्वेश्चन रूल लगेगा डेफिनेटली, क्वेश्चन रूल क्या होगा, नीचे वाले का स्केयर यानी log ऑफ x का स्केयर, फिर नीचे वाला log of x as it is, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला यानी 1 as it is, so log of x का डेरिवेटिव 1 over x। आपने इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, मैं तो जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। तो ये आएगा log of x over log of x, ये होल का स्केयर है, log of x होल का स्केयर, क्लियर है जी, यानी नीचे वाले का स्केयर नीचे वाला as it is, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला यानी एक्स एज इट इज, और लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स ऊपर आ जाएगा साथ माइनस वन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर एट, फाइंड वाई टू, दो दफा डिफरेंशिएट करना है। अगर पहली दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई पावर माइनस एक्स का डी पावर डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, साइन दरमियान में प्लस का। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x और सेकेंड e पावर माइनस एक्स एज इट इज, ये एक दफा डेरिवेटिव आ गया, यानी आप इसमें से e पावर माइनस एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, x e पावर माइनस एक्स या e पावर माइनस एक्स ही कॉमन ले लें, तो ये आपके पास बाकी एक्सप्रेशन बच जाएगा माइनस एक्स स्केयर प्लस 2x। अब इसको एक दफा फिर डिफ्रेंशिएट करना है सिंपल रूल से, तो ये आंसर आ जाएगा। डिटरमाइन, ये पार्ट नंबर नाइन पे चलते हैं जी, पार्ट नंबर नाइन, डिटरमाइन f of x is equal to cos x is increasing or decreasing in interval। अब पहले तो आप ये देखें, increasing decreasing चेक करने के लिए आपने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x बन जाएगा। अब इंटरवल किसमें का है, माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू पर। तो आपने क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लें, ये अब
पाई बाय टू से लेकर, सॉरी पाई बाय टू से लेकर पाई तक चेक करना है हमने, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को चेक करो, साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर क्या आंसर देंगे, नेगेटिव आंसर देंगे। सो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। नेक्स्ट जी लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाएं, 2.7 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स, ई पावर एक्स साइन एक्स। आप सिंपल क्या करें, इसको दो दफा डिफरेंशिएट करना है, तो पहली दफा डेरिवेटिव लेंगे। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप प्रॉपरली इसको सॉल्व कीजिएगा। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स, प्लस कॉज एक्स साइन एक्स एज इट इज, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होगा साइन एक्स। ठीक है जी, अब अगर मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दूं, इसको अगर मैं वन कह लूं, इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करूं, तो ये बनेगा वाई वन इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉज एक्स प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। ये देखिए ये वैल्यू वापस वाई के इक्वल आ गई है, तो इसको कह दिया वाई माइनस वाई, वाई वन माइनस वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉज एक्स, इसको कह दिया नंबर टू। अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करें, वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू बन गया, वाई का डेरिवेटिव वाई वन बन गया, फिर प्रोडक्ट रूल लगा, ई पावर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ई पावर एक्स इन टू, क्योंकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो इसकी जगह वापस इसकी ये वाली वैल्यू लगा दे, कौन सी वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर टू वाली। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको आंसर दे देगा। अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है वाई वन का मतलब होगा सिंगल डेरिवेटिव, यानी डी वाई बाई डी एक्स, आप चाहे एंड पे जाके इसको लिख दें, और वाई टू का मतलब होगा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर। क्लियर होगी जी बात। नेक्स्ट जी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे टेलर सीरीज, टेलर सीरीज होती क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू एच बाय एच प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इंटू एच स्केयर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स इंटू एच क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ये होगी आपके पास टेलर सीरीज। अब टेलर सीरीज में अगर इसको कंपेयर किया जाए तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आपके पास है कॉज इंटू एक्स प्लस एच, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कॉज एक्स। अब आप इसको क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स मिल गया आपको, एफ ऑफ एक्स मिल गया, आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे, फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे, इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपका ये पहले वाला पार्ट तो प्रूव हो जाएगा यहां तक। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, एवेल्युएट करना है कॉस 61 डिग्री को, तो कॉस 61 डिग्री को एवेल्युएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि एक्स जो है वो 60 डिग्री है और एच जो है वो 1, एच का मतलब होता है स्मॉल चेंज, एच जो है वो 1 डिग्री है। अब इसको रेडियन में चेंज कर लें, पाई ओवर 180 रेडियन। अब ये सारी की सारी वैल्यूज एक्स की जगह आपने पुट करते जाना है 60 डिग्री और h की जगह पुट करते जाना है रेडियन में वैल्यू पाई ओवर 180 डिग्री, तो आपको ये वैल्यूएशन दे देगा cos 61 डिग्री की। नेक्स्ट जी पेपर बी पे आते हैं, पेपर बी का पहला एमसीक्यू है जी, नोटेशन फॉर डेरिवेटिव वाज यूज्ड बाय काशी, चार मैथमेटिशियन थे, लगराज, लेबनीज, न्यूटन, लगराज और काशी। तो ये काशी की नोटेशन क्या थी, लास्ट पे जो थी डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर ओवर एक्स माइनस टू। आप इसको एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्स प्लस टू की वैल्यू बचेगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये वन आएगा, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। पावर रूल है, पावर शुरू में पावर में एक माइनस और फिर बेस का दोबारा से डेरिवेटिव, तो एन एफ ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स, सी इज करेक्ट ऑप्शन। इस कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, हमने पहले भी बात की, ये असल में चेन रूल होता है। डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉज एक्स, तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन को डिवाइड करेंगे माइनस साइन पे, तो आंसर क्या आएगा, वन, यानी किसी भी
वेरिएबल का उसी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हमेशा वन ही होता है। डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये इक्वल होगा माइनस वन ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद जी y इज इक्वल टू ए पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जब एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव है यानी a की पावर x log of a, तो a पावर x log of a c इज करेक्ट ऑप्शन। मैक्लैरन सीरीज ऑफ log of 1 by x, log of 1 by x की मैक्लैरन सीरीज log of x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, 1 ओवर 1 प्लस x। फिर सेकंड इसका ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया f प्राइम ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू आपके पास है log of 1 प्लस x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव माइनस 2 ओवर प्लस 2 ओवर 1 प्लस x क्यूब। अब इसमें x की जगह 0 पुट करते जाएं क्योंकि मैक्लैरन सीरीज होगी, x की जगह 0 log of 1 ये तो 0 बन गया, इसमें x की जगह 0 पुट करें तो 1 बन गया, इसमें x की जगह 0 x की जगह 0 पुट करें तो माइनस वन बन गया, इसमें एक्स की जगह जीरो पुट करें तो टू बन गया, ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये जीरो वन ओवर वन तो वन के इक्वल बन गया, ये जीरो बना माइनस वन ओवर वन माइनस वन के इक्वल बन गया और ये टू के इक्वल बन गया। तो असल में क्या होगी जीरो मैक्लैरन सीरीज होती क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ प्राइम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो आ गई जीरो, एफ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई वन इंटू एक्स आ गया, प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू प्लस माइनस, अब माइनस होगा माइनस वन यानी माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल। फिर ट्रिपल की वैल्यू क्या आ गई टू, टू ट्रिपल प्राइम पे टू इंटू x की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, तो ये बना जी यहाँ पे ऑप्शन क्या बन रहा है 0 x प्लस x स्क्वायर बाय माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ये ऑप्शन बनेगा इसका ऑप्शन बीटा। हाँ जी नेक्स्ट सॉरी प्लस तीसरे में प्लस आएगा, इसका ऑप्शन बनेगा डेल्टा ऑप्शन, डी इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट, क्योंकि क्यूब वाली वैल्यू आनी है तो इसका ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन है। मैं इसको ये जरा करेक्ट कर देता हूं, हाँ जी तो इसका बेटे ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट जी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाँ जी पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी फाइंड बाय डेफिनेशन वन ओवर, डेफिनेशन वही फोर्थ स्टेप मेथड आपने करना है, पहले इसको एफ ऑफ एक्स या वाई के इक्वल रख लें, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी वही फोर स्टेप। इसके बाद डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल लगेगा वही जैसे पहले किया, इसका भी मैं करवा चुका हूं, इसको आपने वाई कह देना है, इसको आपने कोई भी नाम रख दे यू कह दें, इसको लहदा डिफ्रेंशिएट करना है, इसको लहदा डिफ्रेंशिएट कर दें, फिर डी वाई बाय डी यू इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी U, या जो t कहना अगर इसको t के रिस्पेक्ट करना है, फाइंड dy बाय dx x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4। तो जैसे पहले क्वेश्चन किया x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का 2y, dy बाय dx माइनस 4x का डेरिवेटिव 4 इज इक्वल टू 0, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये 2.5 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने क्या करना है tan p tan इनवर्स ऑफ, यहां पे कर लेते हैं पार्ट नंबर 5, तो आप पहले क्या करें tan इनवर्स ऑफ y tan को उधर ले जाएं और इधर रह जाएगा p tan inverse of
एक्स, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे होगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्केयर इंटू वाई 1, क्योंकि y का डेरिवेटिव, और p टेन को 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा जो गिवन है। f प्राइम ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x e पावर माइनस x, क्वेश्चन रूल लगेगा उसी तरह। हाँ जी, इस पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंशिएट लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स, आप पहले क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स, दोनों साइडों पे लॉग लेंगे, इधर भी लॉग ऑफ वाई उधर लॉग लेंगे, तो एक्स शुरू में आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इस पर एक प्रोडक्ट रूल लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। वाई फोर फाइंड करना है तो इसका मतलब इसको चार दफा डिफरेंशिएट कर लें। पहली दफा डेरिवेटिव लेंगे साइन थ्री एक्स का कॉस थ्री एक्स और साथ थ्री, फिर कॉस का माइनस साइन थ्री एक्स और एक फिर थ्री आएगा, यानी इसको चार दफा डिफरेंशिएट करते जाना है। वही वाला क्वेश्चन, साइन एक्स आप इसको पहले पार्ट नंबर नाइन आप इसका डेरिवेटिव ले लें, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स कॉस एक्स, और इंटरवल क्या गिवन है, जीरो से पाई बाय टू, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि कॉस हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। उसी तरह ये भी 2.7 से क्वेश्चन लिया गया है, आपने क्या करना है, y की वैल्यू गिवन है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है दो दफा, यानी y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x का स्केयर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा y1 इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स ऑफ x, पावर रूल लगा और फिर कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस x स्केयर अंडर रूट माइनस के साथ, ठीक है जी। ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 माइनस x स्केयर अंडर रूट वाई वन इज इक्वल टू माइनस टू कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, आप इसका स्केयर करोगे तो 1 माइनस एक्स स्केयर वाई वन का स्केयर इज इक्वल टू 4 कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का स्केयर। अब ये वापस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू वाई लगाएंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको आंसर दे देगा। नेक्स्ट है जी, इसको जैसे पहले हमने किया, आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा डी टी ओवर डी एक्स, और इसको डिफरेंशिएट कर लेना है आप इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी टी, इसको आपने रेसिप्रोकल कर देना है यानी डी एक्स ओवर डी टी बना लेना है और फिर लगा लेना है चेन रूल, ठीक है जी। जब आप चेन रूल लगाएंगे तो डी वाई बाय डी एक्स का आंसर आपको मिलेगा 1 माइनस टी स्केयर ओवर 2t। अब आप इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों में, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर आ जाएगा, टी स्केयर से 2t 2t से कैंसिल, और ये किसकी माइनस भी है, सॉरी साथ ये किसके इक्वल बन गया, x के, यानी ये बनेगा y dy वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस एक्स उधर आके प्लस हो जाएगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।